हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नूतन सुज्जो मेरे चैनल में करती हूँ फिर से एक छोटा सा मैसेज लेके वीडियो। अनिष्का का वीडियो जब बीमार थी, अभी भी अनिष्का बीमार है फिलहाल, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, लेकिन जो दिन मैंने वीडियो छोड़ी है वो दिन मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर दादा और दीदी लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर मैसेज किया, नॉट ओनली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में, मैसेंजर में, व्हाट्सअप में, बाय कॉल, बहुत किसी का फ़ोन मैसेज आया। तो मैं सबको दिल से करती हूँ थैंक यू तो नहीं बोलूँगी, ढेर सारा प्यार और रेस्पेक्ट सभी के लिए। और जो लोग रेस्ट ऑफ ऑल मेरे वीडियो में कमेंट किए हो, आज भी मतलब कर रहे हो, सभी को दिल से थैंक यू। तो चलिए, एक दीदी ने मुझे बोली है अनिष्का का इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बाय हेरिडिटिकली हम लोग माँ बेटे सबको ही बेटियाँ सबको ही एनीमिक पेशेंट है, और एनीमिया का थोड़ा हम लोगों को हीमोग्लोबिन का इशू रहता है। तो इसके लिए तो बहुत कुछ खाने पीने का मुझे भी पता है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नहीं पता था, तो कल एक दीदी ने बानी दी ने मुझे लाइव में बताई कि नूतन उसको जो पपीता है, पपीता का लीफ का जूस पिलाओ। तो मैं सुबह आज अनिष्का को स्कूल छोड़ने गई हूँ, और अभी टाइम आफ्टरनून हो रहा है, अगर अनिष्का का तबीयत थोड़ा डेटोरिएट करता तो स्कूल से शायद मुझे कॉल आ जाता, लेकिन अभी तक स्कूल से मुझे कोई कॉल नहीं आया। तो और 2 घंटा स्कूल का टाइमिंग है अनिष्का के पास, तो आई होप आ जाएगी ठीक ठाक ही घर। तो लेकिन वो दीदी ने बोली कि पत्ता लेके आओ, पपैया का पत्ता, और उसका जूस पिलाओ। तो मैं लेके आई हूँ पपैया का पत्ता, बानी दी अमी पिपेर पाता पे हमारे सोसाइटी पास ही आ नीचे छिड़े नहीं। तो चलिए पपैया का पत्ता आप लोगों को दिखाते हैं। मुझे तो इतना अच्छा लगा पपैया का पत्ता कि इतना बड़ा, और पौधा का हाइट है करीबन 3 फीट से भी कम है पौधा, उसमें फल भी लग चुका है पपैया का। तो मैंने वो पत्ता निकाल के लेके आई हूँ, और ये पत्ता अभी फिलहाल पत्ता दिखा के वीडियो को ख़त्म करूँगी, और पत्ता पीने के बाद अनिष्का के तबीयत में सुधार आती है कि नहीं आती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो बानी दी ने जो मुझे बताई है कि उनके लाइव में कि ये पिलाने से, जूस पिलाने से बहुत सुधार आती है, अगर अनिष्का को भी आती है, नहीं आती है, क्या आती है, मैं सारे फीडबैक बैक आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और ये मैसेज आप लोग को भी मिलेगा कि इसका फ़ायदा क्या है। तो आने वाले दिन में आप, अगर आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आप लोग भी इसको, अगर आप खुद भी बीमार पड़ते हो तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, अगर ये इफ़ेक्टिव हुआ तो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मेरा आने वाले जो वीडियो है उसको 100% वॉच करना पड़ेगा आप लोगों को। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हो, और जो लोग नए नए मेरे चैनल में आ रहे हो, मेरे ऑर्गेनिक व्यूअर सभी को थैंक यू, आप लोगों के चलते ही नूतन सुज्जो आज नूतन सुज्जो है। तो चलिए, मेरे मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी बोल के भी मेरे पास कॉल आई है, तो मैं फिर से हंसते मुस्कुराते आज वीडियो कर रही हूँ। तो चलिए, बकबक करते करते 3 मिनट मुझे दिखा रहा है कि टाइम हो चुका है, तो पत्ते को एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए पपैया का पत्ता, इसका होल लीफ ये इतना बड़ा है, ये करीबन 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल है, ये पूरा 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल से भी ज़्यादा बड़ा है। आप लोग देख सकते हो टाइल से बाहर आ गया है, वो टाइल से भी बाहर आ चुका है, ये टाइल से भी कितना बाहर आ चुका है, और ये टाइल थोड़ा अंदर है, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं, लेकिन ये पत्ता भी अंदर चला गया। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा पत्ता है ये, और मैं इसका बनाऊँगी जूस और पिलाऊँगी अनिष्का को। और मुझे पत्ता अच्छा लगा बोल के मैंने ये वीडियो किया, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और किसने इतना बड़ा पपैया का पत्ता देखा आप वो भी कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो में। तो चलिए, आज के लिए तो इतना ही, टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा इसका रिजल्ट क्या आता है जानने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून विथ फायदे वाला वीडियो, बाय ऑल, टेक केयर। तो देखिए, मैंने वो वीडियो को वहाँ पे ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे मैं अनिष्का स्कूल से आने वाली थी बोल के मैं ये पपैया का पत्ते को अच्छे से धो रही थी, क्योंकि वो दीदी ने भी बोला था और मुझे भी पता है कि पत्ता मतलब कीड़ा वीड़ा रहता है, तो इसका जो टाइट मतलब कड़क पार्ट है उसको मैं निकाल के, जो नरम पार्ट है उसको मैं कटोरी में पानी में भिगो रही थी। और
लाइफ इतना ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। मैंने जस्ट कुछ ही मिनट पहले, जस्ट 3 मिनट पहले मैं बताई वीडियो में कि अनिष्का का तबीयत डिटोरेट नहीं किया और अनिष्का शायद ठीक है, अगर उसका तबीयत गड़बड़ होती तो स्कूल से कॉल आ जाती। और मम्मी ने भी सेम ऐसे ही बोली कि उसका तबीयत शायद ठीक है, इसके लिए वो मतलब अभी तक स्कूल से कॉल नहीं आया। तो देखिए पत्ता मेरा कंप्लीट हुआ ही नहीं, अचानक स्कूल से कॉल आई और ये देखिए मैं वीडियो ऑफ कर दिया और फिर से मैं ऑटो में हूँ और स्कूल दौड़ते दौड़ते ऑटो में जा रही हूँ। सेम ऑटो दादा को बोल दिया कि रिटर्न मुझे आना है, स्कूल से कॉल आ गई, अनिष्का का तबीयत ठीक नहीं है। और ये देखिए मैं अनिष्का को स्कूल से लेके वापस आ रही हूँ और उसको स्कूल जाने के बाद भी 100 फीवर आया था और स्कूल से कॉल आ गया। फिर शाम के टाइम दोबारा फिर भागा दौड़ी अनिष्का को लेके मैं डॉक्टर के पास गई, तब अनिष्का को मेडिसिन दिया, तभी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। लेकिन फिर से बस में जाते जाते उसको थोड़ा ठंडा लग गया, देखिए उसने जैकेट डाल लिया। तो लाइफ में कब क्या हो जाए और किसी को नहीं पता, इसलिए हमेशा खुश रहिए, अच्छा रहिए। आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में। बाय और टेक केयर।